Guys, I welcome you all to this new series of duafco.com that is called Programming C with duafco.com. So, इस लेक्चर में हम बात करेंगे the first C program. So, इसमें हम अपना पहला C program लिखेंगे. तो, without wasting time, बढ़ते हैं हमारे agenda की ओर. So, हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. The rules to remember. Second, कि basics of how to write your first C code. And third, some basic information and about syntax. So, the rules to remember. Jaisa ki, as you have already seen in our previous video, jisme humne baat ki thi variables, constants and keywords ki. So, we will use our knowledge of these to write our instructions and un instructions se hum apna pehla program likhenge. So, the rules to remember are these. Each instruction in C program is written as a separate instruction. So, har instruction C program ka ek separate instruction hota hai. And to end that instruction, hame hamesha last mein ek semicolon lagana hota hai. And isi liye C ko ek sequential language kaha jata hai kyunki uske har instruction ek series mein hote hain. Aur whenever hum us series se ya us order se bahar jana chahte hain, to we use a jump call. And wo jump call hamare subroutines ya hamare function call ho sakte hain, jo ki hum aage aane wali series mein dekhenge. To in C we don't have any positioning system. Jaise ki Python mein hota hai, we have indentation. कि if you are writing some condition statement then हमारा जो next instruction होगा वो एक tab के बाद होगा तो in C we don't have any positioning and यहाँ पे blank spaces हम अपनी convenience के हिसाब से use कर सकते हैं तो अगर हम अपने C program में indentation use कर रहे हैं तो that's only because हम चाहते हैं कि हमारा program ज़्यादा better और visually perfect दिखे जबकि ऐसा कोई convention C में exist नहीं करता है एंड हम कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बीच में ब्लैंक स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कोडिंग कोडिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोड ब्लॉक्स आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि कोड ब्लॉक्स कैसे डाउनलोड किया जाएगा सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोड ब्लॉक को कैसे यूज़ करें और अपना पहला कोड कैसे लिखें सो कोड ब्लॉक्स पे जाके आप फाइल्स के ऑप्शन में जाके न्यू पे क्लिक करके अब एक नई फाइल बना सकते हैं जिसका सी या सी प्लस प्लस सोर्स कोड होगा देन यू कैन स्किप दिस पेज फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड देन यू कैन सिलेक्ट सी एंड देन यू कैन राइट योर फाइल नेम एंड ब्राउज फॉर द पाथ वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फाइल ऑलरेडी सेव थी उसके बाद आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आईडीज़ आपको सजेशन देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी ये कोड ब्लॉक्स हमें सजेशन दे रहा है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं तो द फर्स्ट लाइन दैट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h ये एक हेडर फाइल है जो हमने इंक्लूड की है जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल सो हम इस हेडर फाइल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाले वीडियोस में इस सीरीज़ के तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मेन फंक्शन लिखा सो मेन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एंड हमारा कोड का रियल एग्जीक्यूशन मेन के अंदर लिखे गए सिंटेक्स से स्टार्ट होता है तो आप ऊपर ये बटन दबा के ग्रीन बटन आप अपना कोड बिल्ड और एग्जीक्यूट एक संग कर सकते हैं एंड एज यू कैन सी ये हेलो यूट्यूब प्रिंट कर रहा है तो मेन के अंदर लिखे गए हर लाइन को एक सीक्वेंशियल वे में हमारा कोड फॉलो करता है तो ये रहा सिर्फ हमारा सबसे पहला कोड जिसमें हमने हेलो यूट्यूब प्रिंट किया है एंड हमने प्रिंट एफ फंक्शन कॉल किया उसके लिए और हमने अपने इंस्ट्रक्शन को एंड किया है विद द हेल्प ऑफ सेमी कोलन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द रूल्स इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to our channel. And please keep sharing our videos with your friends and family, whosoever needed to see them. So, see you in the next lecture.